जुड़ चुके हैं रोशन अली अजीम साहब, जो कि इस वक्त हैदर भाई का केस संभाल रहे हैं। और काफी अफवाहें हमें देखने को मिली थी, काफी सारे इस तरह के रूमर्स थे जिनके ऊपर कुछ लोगों ने फौरी तौर पर यकीन कर लिया था। जैसा कि एक तो ये है कि केस अभी तक हुआ नहीं है, दूसरा ये कि 1 मिलियन रुपीज मांगे गए हैं हैदर भाई से रोशन अली अजीम साहब की तरफ से। तो ये तमाम चीजें, बेहतर यही था कि रोशन अली अजीम साहब से ही पूछ ली जाए कि इनमें किस हद तक सच्चाई है। अस्सलाम वालेकुम रोशन साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम रोशन, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। दोनों तरफ रोशन है और मैं बिल्कुल रोशन ठीक हूँ और अल्लाह का शुक्र है। और आप ठीक हैं और आपके चैनल के तवस्सुत से देखने वाले तमाम हिंदुस्तानी, पाकिस्तानी समेत दुनिया भर के लोग जितने भी हैं, उम्मीद यही है कि वो भी ठीक होंगे। जी, तो आपका आपसे जो मेरा सबसे पहला सवाल है वो ये है कि एक खबर सामने आई थी कि अभी तक कोई रिपोर्ट दर्ज ही नहीं कराई गई, कोई केस नहीं हुआ, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, रिपोर्टें दर्ज हुई हैं, कानूनी इदारे मुतारक हैं 8 सितंबर से, और जो जो हमने कार्रवाई की है, जो जो हमने प्रोसीडिंग्स की है, वो लास्ट जितनी भी वीडियोस हैं वो मैं पब्लिक कर चुका हूं, और कुछ जो प्रोसीडिंग्स हैं वो अभी हिडन है ज़रूर, उसको मैं अभी पब्लिक नहीं करना चाहता, वो हमारी स्ट्रेटजी है, वो भी पब्लिक करेंगे। अब पता चल चुका है हमने कहाँ कहाँ अप्रोच किया, कहाँ कहाँ हमने प्रोसीड किया और आगे हम क्या करने वाले हैं, काफ़ी चीज़ें मैंने पब्लिक कर दी। ये तो ज्यूमर्स से ये बिल्कुल गलत है। जी जी, और एक बात सुनने को मिली थी कि आपने 1 मिलियन रुपीज हैदर भाई के वालिद साहब से मांगे हैं, इस बात में आप क्या कहना चाहेंगे? 1 रुपया भी गुलाम हैदर से न लिया है, न लेने का इरादा है, न ही फ्यूचर में कभी लूंगा, न गुलाम हैदर से लूंगा, न गुलाम हैदर के फैमिली मेंबर से पैसे लूंगा, न ही गुलाम हैदर के नाम पर किसी और से पैसे लूंगा। ये केस फ्री ऑफ कॉस्ट है, ये केस इंसाफ के नाम पर है, ये केस इंसानियत के नाम पर है, ये केस मुकम्मल फ्री ऑफ कॉस्ट है। ये जितने भी र्यूमर्स थे ये कुछ वो अनासर, दुश्मन अनासर थे जो इंसानियत के दुश्मन है, ये उनके फैलाए हुए थे जो सरासर झूठ है। जी, साथ साथ हमें जिस तरह से कि एक तो ये खबर सुनने को मिली थी कि जी आपने पैसे मांगे हैं, और दूसरी तरफ एक और खबर ये भी सुनने को मिली थी कि आपने 1 मिलियन रुपीज देने का कहा है कि हैदर को कि आप आ जाओ, पाकिस्तान आ जाओ, और 1 मिलियन रुपीज का खर्चा जो है मैं तुम्हें दूंगा इन केस अगर हमें हिंदुस्तान जाना पड़ता है। तो इस बात में किस हद तक सच्चाई है कि आपने 1 मिलियन रुपीज उनको कहा था कि मैं आपको दूंगा? इस बात में बिल्कुल हकीकत है, क्योंकि गुलाम हैदर की जो माली पोजीशन है वो मुझे पता है, और जितने गुलाम हैदर के दोस्त हैं, फैमिली अहबाब हैं, उनको पता है। एक मजदूर बंदा है जो सऊदी अरेबिया में जो है वो अपनी बच्चों की मशक्कत के लिए मेहनत कर रहा है, बच्चों की कफालत के लिए, उसकी इतनी पोजीशन नहीं है कि वो पाकिस्तान में जो टॉप क्लास के लायर्स हैं उनकी फीस पे कर सके, या जो कोर्ट्स की अदालतों के या डिपार्टमेंटल जो हैं डॉक्यूमेंटेशन हैं उनकी मिसलेस एक्सपेंसेस जो हैं वो बर्दाश्त कर सके। तो मुझे पोजीशन का पता है गुलाम हैदर की, तो इस हवाले से मैंने गुलाम हैदर का अब तक 1 रुपया भी खर्चा नहीं होने दिया। जितना भी खर्चा हो रहा है वो मैं जो है आई एम बेयरिंग फ्रॉम माई ओन पॉकेट, वो अपनी जेब से ही मैं भर रहा हूँ, आगे भी भरता रहूँगा। गुलाम हैदर से 1 रुपया भी हम जो है वो खर्चा नहीं करने देंगे। रही बात गुलाम हैदर को माली मदद की, गुलाम हैदर की बिल्कुल मैं माली मदद करूंगा, जितनी भी जरूरत होगी गुलाम हैदर को इस केस पे खर्चा करने की वो मैं बैठा हूँ, मैं गुलाम हैदर की जरूर मदद करूंगा। जी अच्छा, इसी तरह से कुछ बातें सुनने को मिली थी सीमा की तरफ से, एलिगेशंस लगाए गए, इल्जामात लगाए गए कि जो हैदर है उसने अपनी बेटी को बेचा हुआ है। तो आप क्योंकि फैमिली में जाके मिल के आए हैं, तो इस बारे में भी हमें आगाह करें कि इस बात में कितना वजन है सीमा की तरफ से। देखिए, ये स्टेटमेंट सीमा से दिलाई गई है, हिंदुस्तान की जो मीडिया है या हिंदुस्तान के यूट्यूबर्स हैं या मीणा कम्युनिटी के जो लोग हैं उन्होंने सीमा से ये स्टेटमेंट दिलाई है। जो भी स्टेटमेंट सीमा ने दी है, किसी के कहने पर भी दी है, वो सरासर झूठ है। गुलाम हैदर की फैमिली से, गुलाम हैदर के बच्चों में से किसी को भी बेचा नहीं गया है, न ही किसी को बेदखल किया गया है, न ही घर से निकाला गया है। गुलाम हैदर के सारे जो बच्चे हैं घर में मौजूद हैं, गुलाम हैदर के वालिद के अमीर हैदर जान के पास मौजूद है, बच्ची भी मौजूद है, बच्चा भी मौजूद है, उनकी सारी कफालत का जो जिम्मा है वो उठाया हुआ है गुलाम हैदर के वालिद अमीर जान साहब ने। तो इन खबरों में कोई सदाकत नहीं है, सरासर झूठी खबरें हैं,
और ये जो है गुमराह करने के लिए तमाम हिंदुस्तानी और पाकिस्तानी के लिए खबरें फैलाई जाती हैं। जी, तो हैदर भाई अभी तक पाकिस्तान नहीं आए, ये सवाल कई बार पूछा गया है कमेंट सेक्शन में, तो इसके पीछे क्या राज है? वैसे तो हैदर भाई ने खुद भी बताया हुआ है, क्योंकि वो बलोच हैं और बलोचों को ये चीज अच्छी नहीं लगती कि कोई और बंदा उनका खर्चा उठाए, तो वो इस वजह से भी एक तो वहां पे रुके हुए हैं, और दूसरा आपकी तरफ से भी एक स्टेटमेंट आई थी कि क्योंकि अभी केस चल रहा है, अगर इन केस हमें जाना पड़ता है, हिंदुस्तान जाना पड़ता है, तो उनको बुला लिया जाएगा। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि वो हैदर भाई अभी तक पाकिस्तान क्यों नहीं आए? देखें, अभी फिलवक्त गुलाम हैदर की पाकिस्तान में जरूरत पेश नहीं आ रही है, क्योंकि कंप्लेन इन फर्स्ट इंस्टेंस से गुलाम हैदर का वालिद अमीर जान साहब हैं, और हर जगह जो है मुझे जो जरूरत पेश आ रही है वो जो फर्स्ट इंफॉर्मेशन जो रिपोर्ट थी उसमें गुलाम हैदर साहब के वालिद साहब से गुलाम हैदर नहीं थे। तो जिस भी इदारे में जो ज़रूरत पेश आ रही है वो अमीर हैदर अमीर जान साहब जो गुलाम हैदर के फादर हैं उनकी ज़रूरत पेश आ रही है। फिलवक्त गुलाम हैदर साहब की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर पाकिस्तान में। जिस दिन गुलाम हैदर की ज़रूरत पेश आएगी हम गुलाम हैदर को कॉल करेंगे, गुलाम हैदर पाकिस्तान में होगा, वह हमारे इंतजार में है। सिर्फ एक फोल्ड बचता है इस केस का, सारी प्रोसीडिंग्स कंप्लीट हो चुकी हैं, हमें इंडियन हाई कमीशन जाना है, पाकिस्तान की फॉरेन मिनिस्ट्री जाना है, ये एक फोल्ड बचता है। इस फोल्ड में भी गुलाम हैदर की ज़रूरत नहीं है, गुलाम हैदर के वालिद साहब अमीर जान साहब की ज़रूरत है। इस फोल्ड के बाद हम गुलाम हैदर साहब को कॉल करेंगे, वो पाकिस्तान में आएंगे, फिर हम वीज़ा के लिए अप्लाई करेंगे, फिर अगर वीज़ा मिलता है तो हम ज़रूर हिंदुस्तान में होंगे, गुलाम हैदर हमारे साथ होगा। जी, तो एक और चीज़ हमने आपके चैनल पर देखी, और जिसमें आप ये भी कह रहे थे कि हैदर अगर सीमा पाकिस्तान वापस आ जाती है तो हैदर भाई उनको एक्सेप्ट कर लेंगे, तो वो किस बेस पे एक्सेप्ट करेंगे, या इस पे कौन कौन से जो हैं वो रूल्स लग रहे हैं वापस एक्सेप्ट करने के? देखिए, इस वक्त जो है ये हिंदुस्तान में कहा जाता है कि सीमा हैदर को तलाक दे दी है गुलाम हैदर ने, गुलाम हैदर ने तलाक कोई नहीं दी है, नहीं शरई तरह से तलाक दी है, नहीं कानूनी तरह से तलाक दी है, कोई तलाक के डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, नहीं सीमा ने कोई इद्दत पीरियड गुजारा है। शरई तरह कानूनी तरह सीमा गुलाम हैदर की बीवी है, और अगर सीमा पाकिस्तान आना चाहे तो पाकिस्तान आ सकती है, गुलाम हैदर उसको ज़रूर अपने साथ रखेगा, क्योंकि गुलाम हैदर के बच्चों की माँ है। गुलाम हैदर हर वक्त बच्चों को रखने की बात करता है, बच्चों को संभालने के लिए माँ की ज़रूरत पड़ती है, और सीमा से अच्छी माँ जो है इस वक्त बच्चों को संभालने के लिए और कोई नहीं हो सकती, क्योंकि सगी माँ है। तो इस बात में कोई दो राय नहीं है कि सीमा अगर पाकिस्तान आती है तो सीमा जो है वो वापस अपना मैट्रिमोनियल लाइफ स्टार्ट कर सकती है। जी जी, जो कि बहुत अच्छी बात है कि इतना कुछ एक औरत ने कर लिया है फिर भी उसको माफ किया जा रहा है, इससे बड़ी चीज और क्या हो सकती है? गुलाम हैदर का दिल बड़ा है, गुलाम हैदर एक नफीस इंसान है, गुलाम हैदर के बारे में जितनी भी बातें फैलाई गई कि जालिम शख्स है, बलोच है, कातिल है, ये है वो है, सरासर झूठ है। वो नफीस किस्म का इंसान है, वो बड़े दिल का मालिक है, वो बड़ा अच्छा रहमदिल इंसान है, उसके बारे में जो बातें बताई गई वो बिल्कुल गलत है। मैं उसको पर्सनली जानता हूँ, मेरी दिन में 2 से 3 से 4 मरतबा गुलाम हैदर से बात होती है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है जो मीडिया में गुलाम हैदर के लिए फैलाया गया। गुलाम हैदर जो है वो बड़े दिल का मालिक है, वो बड़ा दिल रखता है। जी, तो अभी पाकिस्तान में जैसा कि आपने शुरू में कहा था जब आपने इस केस को संभाला था कि केस किया गया था लेकिन कार्रवाई से रोका गया था, और इस तरह से क्योंकि बिल्कुल मासूम हैं जो हैदर भाई के फैमिली वाले हैं, हैदर भाई के वालिद साहब, तो उनको पता नहीं चला, तो जो जो लोग इन्वॉल्व थे जैसा कि सीमा की अपनी फैमिली भी इन्वॉल्व निकली, तो उनके खिलाफ अब तक कितनी कार्रवाई हो चुकी है, क्या वो अभी मीडिया के सामने लाना पॉसिबल है या अभी फिलहाल प्रोसेसिंग चल रही है? इसका प्रोसेस चल रहा है, ये कबल वक्त कहना है कि क्योंकि इन्वेस्टिगेशन को जाहिर करना ये अच्छी बात नहीं होती, मैं तो जिम्मेदार बंदा हूँ, वकील हूँ, तो मैं कभी भी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी के मामला जो है वो पब्लिक नहीं करना चाहता, मुझे ज़रूर पता है, मेरी कंसल्टेशन होती है, लेकिन अभी इस वक्त वो चीज़ें पब्लिक करना सही नहीं है। इदारों को भले अपनी इन्वेस्टिगेशन करने, आपको टाइम आएगा तो ज़रूर इस हवाले से ज़रूर बताएंगे, लेकिन इस बात में कोई शक नहीं है कि इसमें शाहिद रिंद जो सीमा का कज़न है, आसिफ रिंद जो सीमा का भाई है, सुमेरा रिंद जो सीमा की बहन है, और रीमा रिंद जो सीमा की बहन है, ये इन्वॉल्व नहीं है, ये मुकम्मल इन्वॉल्व हैं, और कानूनी कार्रवाई जो है इनको ज़रूर होगी, और हैंड कफ ये ज़रूर होंगे,
ये मफल्ड अनमफल्ड हो चुके हैं, बाकी और लोग भी हैं वो भी अनमफल्ड होंगे जरूर इंशाल्लाह। जी, तो जैसा कि एक न्यूज़ सुनने को मिली थी कि कुछ एजेंट्स भी इस वक्त गिरफ्तार कर लिए गए हैं जिनसे इन्वेस्टिगेशन चल रही है, तो इस बात में कोई सदाकत है? देखिए, इन्वेस्टिगेशन के मामलात पर डिस्कस करना अभी कबलत वक्त होगा, जैसे मैंने आपको कहा इदारों के मामलात को अभी पब्लिक करना सही नहीं होता, क्योंकि एक कड़ी से दूसरी कड़ी जुड़ी होती है। अगर हम थोड़ा भी डिस्कस करेंगे तो हो सकता है किसी को शेल्टर मिल जाए, कोई अपना डिफेंस तलाश कर ले, और हो सकता है कोई एस्केप हो जाए। तो लेट द इन्वेस्टिगेट द डिपार्टमेंट्स, मैं इनको इन्वेस्टिगेशन करने दें, इंशाल्लाह जब इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो जाएगी, जब मामला सामने आ जाएंगे तो जरूर आवाम को इत्तला करेंगे हम। जी जी दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि जब शाहिद रिंद की बात सामने आई थी तो वो पूरी तरह से छुप चुका है, और अगर बाकी चीजें भी इसी तरह से सामने लाई जाती रही तो जो बाकी लोग हैं उनको भी छुपने का मौका मिल जाएगा, क्योंकि हर बंदा ही इस चीज के ऊपर नजर रख के बैठा है। तो अच्छा, मेरा एक आपसे एक और सवाल ये भी है कि एक खबर सुनने को मिली जिसका एतराफ सीमा ने खुद भी किया है कि जो उसका अभी एक बंदा शो करा रहा है कि मैं शोहर हूँ, सचिन की मैं बात कर रहा हूँ, सचिन की तरफ से मारा जाता है सीमा को, तो क्योंकि आप इस केस को कुछ ज्यादा ही गहराई से देख रहे हैं और हिंदुस्तान से जिस तरह हमें लोग कॉन्टेक्ट करते हैं इसी तरह से आपको भी करते होंगे और सबूत प्रोवाइड करते होंगे, तो आपने इस चीज को अब तक किस हद तक देखा है? क्या सीमा को मारा जाता है? जी, इतलात हमें भी है हिंदुस्तान से रघुपुरा से इतलात हमें है, ग्रेटर नोएडा से हमें इतला है, और हिंदुस्तान के सोशल एक्टिविस्ट हमें इतला देते हैं, और बहुत सारे वहाँ के मोहल्ले के लोग भी इतला करते हैं। इस बात में हकीकतन सदाकत जरूर है कि सीमा को वहाँ मारा जाता है। आपका कहना बिल्कुल दुरुस्त है, ये जो आप पॉइंट कर रहे हैं, सीमा ने खुद ने भी स्टेटमेंट दी है, इस बात में हकीकत है, वहाँ पे मारा जाता है। ये स्टेटमेंट वहाँ के मोहल्ले वालों की, सीमा की खुद की है जो आप कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा, आप पॉइंट आउट कर रहे हैं, और वहाँ के जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी को भी इतला दी जाती है वहाँ मोहल्ले वालों की तरफ से, इस बात में सदाकत है, लेकिन अब तक कोई सबूत सामने नहीं आया है सीमा की तरफ से। जब सीमा मीडिया पर आएगी, खुद बताएगी प्रूफ के साथ, तो ही मजीद जो है बातें सामने आएंगी। कुछ पता नहीं लगता है इस औरत का, झूठ भी बोलती है कभी कभी, सच भी बोलती है तो झूठ लगता है, कभी झूठ भी बोलती है तो सच लगता है, तो इसका कुछ पता नहीं चलता है। तो इस बात में सदाकत बिल्कुल है कि मोहल्ले वाले ये बताते हैं, उनके फैमिली मेंबर्स जो हैं वहाँ पर इर्द गिर्द रहते हैं, कि उनको मारा पीटा जाता है, इस बात में हकीकत है, आपने बिल्कुल सही सुना। जी, तो मेरा भी आपसे आखिरी सवाल ये है कि जैसा कि सीमा की तरफ से ये स्टेटमेंट दी गई कि मुझे सचिन की तरफ से भी मारा जाता है, क्या ऐसा पॉसिबल है कि ये सब ड्रामा किया जा रहा हो सिर्फ इस वजह से कि अगर डिपोर्ट किया जाता है पाकिस्तान, तो पाकिस्तान आके ये सीमा इस तरह की स्टेटमेंट दे सके कि मुझे हिंदुस्तान में क्योंकि मारा जाता था कि तुम हमारा धर्म परिवर्तन कर लो, हमारे धर्म में आ जाओ और पाकिस्तान को भी बुरा भला कहो, सिर्फ क्योंकि मारा जाता था इस वजह से मैंने ऐसा किया और इस चीज का मैंने मीडिया पे भी आके कहा था, क्या ये पॉसिबल है कि ये जस्ट एक ड्रामा किया जा रहा हो? देखिए, ये तो वक्त ही बताएगा कि ये ड्रामा है या सच में मारा जाता है या झूठ बोलती है, थोड़ा इंतजार करें, इस बात पर भी पर्दा उठेगा जरूर। लेकिन एक बात मैं कहना जरूर चाहता हूँ कि ये जो क्रिमिनल लोग हैं रघुपुरा के मीना कम्युनिटी, मैं बार बार कहता हूँ इस लड़की को हनी ट्रैप किया गया है, ये एक दहशतगर्दों का ग्रोह है जो 1947 से ये पाकिस्तान और हिंदुस्तान के मुखालफत और दुश्मनी का काम कर रहा है, वो ग्रोह, उस ग्रोह की मदद से इस नेत्रपाल सिंह मीणा, सचिन मीणा, इन्होंने हनी ट्रैप किया इस लड़की को, फंसाया है, पैसे पाकिस्तान से हर चीज़ बिकवा के हिंदुस्तान पहुँचाई है। हनी ट्रैपिंग तो है, मारेंगे पीटेंगे जरूर, क्रिमिनल लोग हैं ना ये क्रिमिनल लोग हैं, इनका काम ही यही है, मारना पीटना, हनी ट्रैपिंग करना, लड़कियों को जो है अगवा करना, रेप करना, तो ये तो इनका काम है, ये तो कॉमन सेंस की बात है, क्रिमिनल लोग क्या गुलों के फूलों के हार पहनाएंगे इनको? तो जरूर मारते होंगे, अभी इस बात में कोई शक नहीं है। जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इतना टाइम निकाला, और जो सवालात थे लोगों के, हमारे भी सवालात यही थे, और आपने इनका जवाब दिया हमें और हमें मजीद आगाह कर दिया कि ये मामला चल किस तरह से रहा है। इसी तरह से दोस्तों हमारी मुलाकात होती रहेगी रोशन अली अजीम साहब से,
और आपके कोई मजीद सवालात हों तो रोशन अली अजीम साहब का चैनल डिस्क्रिप्शन के अंदर भी मौजूद है और आप जो है उनसे भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, और मेरे कमेंट सेक्शन में भी आप कोई सवाल अगर पूछना हो तो पूछ सकते हैं, आपके सवाल को अहमियत दी जाएगी और आपके तमाम सवालों के जवाब दिए जाएंगे। अब हमारी मुलाकात होगी एक नई वीडियो में, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज, अल्लाह निगेबान।